अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास आपके पीसी के अंदर या किसी भी ऐसे डिवाइस के अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल है और वो विंडोज़ 10 बहुत ही स्लो चलती है, बहुत ही स्लो वर्किंग करती है और वहाँ जो है आपको बहुत ही लैगिंग का सामना देखने को मिलता है और आप कहते हैं यार विंडोज़ 10 जो है वो मेरे डिवाइस के अंदर बहुत ही अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो उसके लिए 5 ऐसी सेटिंग मैं आपके लिए लाया हूँ जिससे आप अगर उन 5 सेटिंग्स को अप्लाई कर लेते हैं विंडोज़ 10 पे तो आपका जैसा मर्जी डिवाइस है आपकी विंडोज़ 10 जो है फास्टली आपके डिवाइस पे चलना शुरू हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो आज हम इस 5 सेटिंग्स के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि विंडोज़ 10 को बूस्ट अप मतलब कि स्पीड अप कैसे किया जाता है। तो वीडियो में साथ रहिएगा आखिर तक का जिसमें आपको 5 तरीके बता दूंगा और आप जो है अपनी विंडोज़ को तेज़म तेज़ चला पाएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे जाके खाली टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें क्योंकि आज की वीडियो को लाइक गोल है 100 लाइक्स, तो लाइक तो करना ज़रूरी है। और कमेंट अगर आपने नहीं किया कमेंट कर दें, अगर कुछ सूझ नहीं रहा तो एक नुक्ता लगा दें जिससे काफ़ी मज़ा आ जाता है। तो यहाँ नंबर 1 पे मैंने रखा है स्टार्टअप एप्लीकेशंस, मतलब कि आप जब भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस शो होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बिट टूरेंट आपने इंस्टॉल किया होता है वो शुरू होना शुरू हो जाता है या फिर आपने कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई जो कि ऑटो स्टार्ट है, मतलब कि ऑटो स्टार्ट हो जाती है जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो आपको पहले उन्हें कम से कम करना होगा, मतलब कि वो कैसे कम से कम करना है, आपने जो है टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर जाके आपको नज़र आ रही होगी ये इसके अंदर इस टैब के अंदर कि आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो स्टार्ट पे स्टार्ट होती है, मतलब कि आपका कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो भी साथ ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है बैकग्राउंड पे। तो उनको आपको जितना कम हो सके उतना करना है, जो आपकी एप्लीकेशन नीड वाली है मतलब कि जो ज़रूरत है आपकी तो वो आप रोज़मर्रा यूज़ करते हैं वो आप ना करें, जो आप कहते हैं कि पॉपअप शो ना हो और जो फालतू एप्लीकेशन हैं उसको आपने बंद कर देना है। जैसे कि मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे फालतू एप्लीकेशन लगती हैं जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर जो एप्लीकेशन हैं वो बंद कर देता हूँ। आगे अगर बात करें, आगे एक बहुत ही मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो नंबर 2 पे मैंने रखी है, वो जो चीज़ है वो है पावर सेटिंग। दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है, मतलब कि आप अपने कंप्यूटर को पावर ज़्यादा देना चाहते हैं पावर कम देना चाहते हैं। पावर अगर आप ज़्यादा देंगे आपका प्रोसेसर आपका GPU जो है अच्छी तरह वर्क करेगा फुल एफिशिएंसी के साथ, अगर आप पावर अपने GPU या CPU को कम देंगे तो अब जाहिर बात है एक मशीन को पावर कम मिल रही है तो वो आहिस्ता वर्क करेगी, उससे ये होता है कि आपकी पावर कंजप्शन जो है कम हो पाती है और आपका जो मतलब कि कंप्यूटर वो थोड़ा स्लो तो हो जाता है लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा वो बच पाता है। ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में कारआमद है, मतलब कि लैपटॉप के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए तो आपको जो पावर को बैलेंस पर रखना होता है, नहीं तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है या फिर ऐसा लैपटॉप है जिसकी बैटरी बैकअप अच्छा है तो आप इसको जो है अल्ट्रा पे कर सकते हैं, मतलब कि आपको करना है परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस के ऊपर सेट करने के बाद जो आपका लैपटॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो बैटरी से ले पाएगा जितनी उसे ज़रूरत है और वो फुल एफिशिएंसी से चल पाएगा। दोस्तों तीसरा, यहाँ आपको एक और सेटिंग करनी है जो कि बहुत कमाल की सेटिंग है लेकिन ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं मेरे विंडोज़ के ग्राफिक्स हैं वो बहुत कमाल आएँ और ट्रांजिशन ऐसे ऊपर से नीचे हों और यहाँ से विंडो का जो मतलब स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी दिखे, तो उनके लिए ये नहीं है। ये यहाँ आप अगर आप जाते हैं सेटिंग के अंदर, मतलब कि आप अपनी सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके आपको एडवांस सेटिंग के अंदर जाना होता है और साथ ही साथ आपको सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाता है टैब और वहाँ आपको जो है अपना पीसी की सेटिंग जो है परफॉर्मेंस पे सेट करनी है। पहले होगी आपका ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, तो जितनी परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा होगी उतने आपके ग्राफिक्स और आपकी जो मतलब के वो ट्रांजिशंस वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएगी, उससे परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी लेकिन जो आपको विंडोज़ को लुक आता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मैं जो तरीका है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनका पीसी बहुत ही जो स्पेक्स कम है पीसी के और विंडोज़ 10 को वो चला नहीं पाता लेकिन वो फिर भी चलाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली सेटअप है। बाकी जो लोग हैं जिनके पास अच्छा हार्डवेयर है वो इस चीज़ को जो है रहने ही दें क्योंकि ये चीज़ उनके लिए नहीं है। आखिरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है विंडोज़ 10 को मैंने देखा है ज़्यादातर जो स्लो करता है, ज़्यादातर विंडोज़ में ये आपको तरीका काम में आता है विंडोज़ 7 हो विंडोज़ 10 हो, आपको जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो डिलीट करनी होती है। टेम्परेरी फाइल्स वो होती हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वो बन जाती हैं एज अ बैकअप, मतलब कि जो भी आपने यूजेज की आपने कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क किया वो एज अ मतलब कि सेव हो जाता है, आपने क्या वर्क किया कैसे वर्क किया तो वो सब कुछ आपको टेम्परेरी फाइल्स के अंदर आता है, तो वो जो है आपको डिलीट करनी होती हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं और जो टेम्प्रेरी फाइल जमा हो कि आपकी मेमोरी जो भरी होती है वो क्लियर हो जाती है। इसको क्लियर करने के लिए आपको सिंपली, अगर आप स्टार्ट में सर्च करना चाहते हैं, रन में सर्च करना चाहते हैं, रन में भी कर सकते हैं, मतलब कि रन ओपन कर लें और वहाँ से जाके आपने क्या करना है कि प्रीफेच लिखना है। प्रीफेच का एक फोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर जितना भी डाटा है सबको डिलीट कर देना है। तो उसके अलावा आप विंडोज़ के फोल्डर के अंदर जाके प्रीफेच लिख सकते हैं और उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब सिंपल दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप कहीं भी डिलीट कर सकते हैं। ये पांच तरीके आजमाने के बाद जो आपका कंप्यूटर है वो कितना फास्ट हुआ आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस तरह की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज भी लाऊंगा आपके लिए कि मतलब कि आपको पता लग सके कौन सी आपके लिए बेहतर चीज़ है, कौन सी नहीं बेहतर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं नए वीडियो के साथ। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।